Hi everyone, welcome back to GK Today. This is Siya Verma and I hope you all are doing very well. So, आज के सेशन में हम लास्ट 1 ईयर के अवार्ड्स एंड पर्सन इन न्यूज ये डिस्कस करने वाले हैं. फाइन, सो लास्ट 1 ईयर क्विक रिवीजन सीरीज का पार्ट है ये वीडियो. अदर जो टॉपिक से लास्ट 1 ईयर के वो जीके टुडे के प्लेलिस्ट में ऑलरेडी मेंशन है. फाइन, एंड दीज क्वेश्चंस आर पार्ट ऑफ डेली 20 MCQ सीरीज विच इज अवेलेबल ऑन जीके टुडे एप्लीकेशन. इफ वन डे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लास्ट 2-3 ईयर्स के करंट अफेयर का रिक्वायरमेंट है टॉपिक वाइज भी, तो आप जीके टुडे के डेली 20 MCQ कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं. फाइन, सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज, राहुल नवीन हैज बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग डायरेक्टर ऑफ विच इंस्टीट्यूशन. सो राहुल नवीन को किस इंस्टीट्यूशन का एक्टिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है? सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट. सो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी के एक्टिंग डायरेक्टर अपॉइंट हुए राहुल नवीन. फाइन, राहुल नवीन जो कि एक IRS ऑफिसर है 1993 बैच के, और करंटली ये सर्व कर रहे हैं एज द स्पेशल डायरेक्टर चीफ विजिलेंस ऑफिसर एट दी हेड क्वार्टर. फाइन, और इनसे पहले जो एक्टिंग डायरेक्टर थे वो कौन थे? संजय कुमार मिश्रा थे एंड ही इज ऑल्सो IRS ऑफिसर. फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन इज, IG नोबल प्राइज 2023 इज प्रोवाइडेड फॉर विच कैटेगरी. सो IG नोबल प्राइज 2023 ये किस कैटेगरी में दिया जाता है? सो IG इज नॉट इंस्टाग्राम, बेसिकली IG नोबल प्राइज ये दिया जाता है ह्यूमरस साइंटिफिक फीट्स में, ह्यूमरस साइंटिफिक अचीवमेंट में दैट मेक पीपल लाफ एंड थिंक. फाइन, सो ह्यूमरस फील्ड में, साइंटिफिक अचीवमेंट में, हास्यपद जितने भी खोज हुई है उसके लिए ये अवार्ड दिया जाता है. और रिसेंटली किसे मिला है? अ टीम ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम इंडिया, चाइना, मलेशिया एंड US. सो चारों कंट्रीज की एक टीम है जिसे मिला है इस साल का 2023 का IG नोबल प्राइज 2023. फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट इज, व्हाट इज द रिवाइज प्राइज अमाउंट फॉर नोबल प्राइज विनर्स एज ऑफ 2023? सो नोबल फाउंडेशन ने जो अमाउंट है, प्राइज अमाउंट है, उसे रिवाइज करा है और वो बन चुका है करंटली 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन. फाइन, और लास्ट 10 मिलियन स्वीडिश क्राउन था, 1 मिलियन का इंक्रीमेंट हुआ है नोबल प्राइज अमाउंट में. फाइन, नेक्स्ट वन इज, विच इंस्टीट्यूशन अनाउंस्ड स्पेशल अवार्ड टू आर्टिस्ट अबोव 75 ईयर्स ऑफ एज. सो 75 ईयर्स ऑफ एज से अबोव आर्टिस्ट के लिए एक स्पेशल अवार्ड को अनाउंस करा है, किस इंस्टीट्यूशन का इनिशिएटिव है? सो इट इज बाय संगीत नाटक अकेडमी. सो संगीत नाटक अकेडमी ने अनाउंस करा है एक स्पेशल वन टाइम अवार्ड, और ये जो इनिशिएटिव ये किया गया है ये कमेमोरेट कर रहा है 75 ईयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस. फाइन, और इसी के साथ 84 आर्टिस्ट को सिलेक्ट किया गया है संगीत नाटक एकेडमी के लिए जिनकी एज 75 ईयर्स से ऊपर है. फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन इज, व्हिच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज बीन अवार्डेड द ली क्वान यू एक्सचेंज फेलोशिप. सो किस राज्य के मुख्यमंत्री को ली क्वान यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? सो द नेम ऑफ द पर्सन इज हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कि चीफ मिनिस्टर है किस स्टेट के? असम स्टेट के चीफ मिनिस्टर है हेमंत बिस्वा शर्मा, जिन्हें अवार्ड मिला है ली क्वान यू एक्सचेंज फेलोशिप. फाइन, बेसिकली ये जो फेलोशिप है ये सिंगापुर के जो फाउंडिंग प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर ली क्वान यू, उनके नाम पर इस फेलोशिप को रखा गया है, और इनका रोल है सिंगापुर के डेवलपमेंट के लिए, और जो भी पर्सन अपने राज्य के डेवलपमेंट के लिए कॉन्ट्रीब्यूटेड है उस पर्सन को ये अवार्ड दिया जाता है. और इस बार मिला है असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा, उनका जो रोल है असम के डेवलपमेंट के लिए, इसके लिए ये अवार्ड उन्हें मिला है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. अमृता शेरगिल हु वॉज सीन इन द न्यूज वॉज एसोसिएटेड विथ विच प्रोफेशन. सो अमृता शेरगिल न्यूज में थी और किस प्रोफेशन से ये एसोसिएटेड है? सो द आंसर इज अ पेंटर, शी इज अ पेंटर. फाइन, सो रिसेंटली इनका एक मास्टर पीस है दैट इज द स्टोरी टेलर, एक माइलस्टोन अचीव करा है उनके इस मास्टर पीस ने.
माइलस्टोन क्या है, अचीव करा है एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल ऑफ 61.8 CR, फाइन। सो सेल हुई है इस पेंटिंग की, द स्टोरी टेलर, एंड जो कि माइलस्टोन है एक पेंटर के लिए जो भी इंडियन वेमेन है, फाइन। सो अमृता शेरगिल जो कि एक इंडियन वेमेन पेंटर है, और 61.8 CR की सेल हुई है, इनका जो मास्टरपीस है द स्टोरी टेलर, दैट्स वाई ये न्यूज में रहा था, फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज व्हाट इज द न्यू अवार्ड इंस्टीट्यूटेड टू ऑनर साइंटिस्ट इन इंडिया। सो इंडिया में जो साइंटिस्ट है उन्हें ऑनर करने के लिए एक न्यू अवार्ड को इंस्टीट्यूट किया गया है, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दैट अवार्ड, एंड दैट इज राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, फाइन। सो इंडियन गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, उन्होंने अनाउंस करा है, एस्टेब्लिश करा है एक न्यू अवार्ड, दैट इज राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, फाइन। एक अवार्ड की सीरीज है ये, जो दिया जाएगा किसे, साइंटिस्ट को दिया जाएगा। बेसिकली इस अवार्ड में फोर कैटेगरीज को इंक्लूड किया गया है, जो फोर कैटेगरीज है वो विज्ञान रत्न है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। सेकेंड कैटेगरी विज्ञान श्री है, जो कि डिस्टिंग्विश्ड कंट्रीब्यूशन कैटेगरी में दिया जाएगा। एंड थर्ड कैटेगरी है विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर, फाइन, यंग साइंटिस्ट के लिए ये अवार्ड दिया जाएगा। और फोर्थ कैटेगरी है विज्ञान टीम, जो टीम ऑफ द साइंटिस्ट है उनके माइलस्टोन वर्क के लिए ये अवार्ड दिया जाएगा, फाइन। सो 2024 से स्टार्ट होगा राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। और जो इंडिया का स्पेस डे था 23 अगस्त, उस टाइम पे इस अवार्ड को दिया जाएगा, नेशनल स्पेस डे पर, फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज हु हैज ऑथर्ड द नॉवल वेस्टर्न लेन। सो वेस्टर्न लेन जो नॉवल है, उपन्यास है, इसके ऑथर कौन है? सो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज चेतना मारू, फाइन। सो चेतना मारू की डेब्यू नॉवल है वेस्टर्न लेन, और 2023 बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था, फाइन। नेक्स्ट वन इज स्वाति नायक हु वॉज इन द न्यूज हैज वॉन विच अवार्ड। सो स्वाति नायक ये न्यूज में रही थी, और इन्होंने रिसेंटली कौन सा अवार्ड जीता है? सो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज नॉर्मन ई बॉर्लिग अवार्ड। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज स्वाति नायक बन चुकी है थर्ड इंडियन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट जिन्होंने जीता है नॉर्मन ई बॉर्लिग अवार्ड 2023 में, फाइन, फील्ड रिसर्च एंड एप्लीकेशन में। सो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है मिस स्वाति नायक, फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। दिस सिटी वाज सिलेक्टेड एज द बेस्ट स्मार्ट सिटी इन इंडिया इन इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023। सो इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023 में जो बेस्ट स्मार्ट सिटी है वो किसे चुना गया है, किसे चूज किया गया है? सो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज इंदौर, फाइन। सो इंदौर वॉज सेलेक्टेड इज द बेस्ट स्मार्ट सिटी, फाइन। और जो सेकेंड पोजिशन पे रहा वो है गुजरात का सूरत। गुजरात का जो सूरत सिटी है वो सेकेंड पे रहा, जबकि आगरा उत्तर प्रदेश का वो थर्ड पोजिशन पे रहा, फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वॉज रिसेंटली कन्फर्ड टू विच एक्टर। सो दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये किस एक्टर को रिसेंटली दिया गया था? सो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज वहीदा रहमान। सो वेटरन बॉलीवुड एक्ट्रेस है वहीदा रहमान, जिन्हें रिसेंटली दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है उनके आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन सिनेमा, फाइन। एंड 2021 के लिए ये अवार्ड उन्हें मिला है। कौन देता है ये? इट इज बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, जो फिल्म फेस्टिवल के डायरेक्टरेट है उनके द्वारा ये दिया जाता है, और नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी के दौरान ये अवार्ड उन्हें दिया गया, फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। कॉन्ग थोंग विच बैग्ड बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड 2023 इज लोकेटेड इन विच स्टेट। सो कॉन्ग थोंग एक विलेज है, और ये कहाँ पर लोकेटेड है जिसे रिसेंटली मिला है बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड 2023? सो ये है कहाँ पर, मेघालय में लोकेटेड है, और रिसेंटली नेशनल टूरिज्म अवार्ड इन्हें मिला है। कौन देता है? इट इज माई यूनियन टूरिज्म मिनिस्ट्री। नेक्स्ट वन इज हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। सो इंडिया में फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ये किसे कहा जाता है? सो द आंसर इज एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन जो कि एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे, उन्हें कहा जाता है
फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. फाइन, बेसिकली पद्मश्री के रेसिपिएंट ये रह चुके हैं. 1967 में पद्मश्री इन्हें मिला था. फाइन, एंड पद्म भूषण 1972 में मिला था इन्हें, एंड पद्म विभूषण 1989 में इन्हें मिला था. सो ग्रीन रेवोल्यूशन में जो इनका रोल है इंडिया में, उसके लिए फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन्हें कहा जाता है, एम एस स्वामीनाथन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. के एन शांत कुमार हैज बिन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ विच इंस्टीट्यूशन. सो द नेम इज के एन शांत कुमार, और रिसेंटली इन्हें अपॉइंट किया गया है चेयरपर्सन किस इंस्टीट्यूट का. सो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया. सो रिसेंटली प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने अपना न्यू चेयरपर्सन अपॉइंट करा है के एन शांत कुमार को. फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट इज हु वॉज अवॉर्डेड द 2023 शस्त्र रामानुजन प्राइज. सो 2023 का जो शस्त्र रामानुजन प्राइज है वो किसे दिया गया. सो इट इज रुशियंग जांग. फाइन, सो रुशियंग जांग जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में, उन्हें दिया गया है 2023 का शस्त्र रामानुजन प्राइज. ठीक है, और बेसिकली मैथमेटिक्स फील्ड में दिया जाता है, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन मैथमेटिक्स के फील्ड में ये अवार्ड दिया जाता है. जो एनुअल कैश प्राइज है वो कितनी है इसके लिए, $10,000 एनुअल प्राइज है, कैश प्राइज है शस्त्र रामानुजन प्राइज के लिए. और कहाँ पर दिया जाता है ये, शस्त्र यूनिवर्सिटी में दिया जाता है, जो कि लोकेटेड है कहाँ पर, कुंभकोणम. कुंभकोणम बेसिकली होम टाउन था मैथमेटिशियन श्रीनिवासन रामानुजन का, और यहाँ पे ये अवार्ड दिया जाता है. नेक्स्ट वन इज हु हैज बीन नॉमिनेटेड एज द एम्बेसडर फॉर वॉर अगेंस्ट वेस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर. फाइन, सो वॉर अगेंस्ट वेस्ट ये कैंप है कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में. सो इस कैंपेन के लिए जो एम्बेसडर है वो किन्हें अपॉइंट किया गया था, नॉमिनेट किया गया था. सो इट इज कैप्टन बना सिंह. फाइन, कैप्टन बना सिंह जिन्हें कंट्री का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड मिल चुका है, द परमवीर चक्र. सो परमवीर चक्र रेसिपियंट रह चुके हैं कैप्टन बना सिंह, और ये बन चुके हैं एम्बेसडर फॉर वॉर अगेंस्ट वेस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर. फाइन, और ये जो कैंपेन है इसकी थीम भी इंपॉर्टेंट है. थीम रही थी, थीम ऑफ द कैंपेन है स्वच्छता ही सेवा, SHS. स्वच्छता ही सेवा इस कैंपेन की थीम रही थी. मेन फोकस पॉइंट क्या है, गार्बेज फ्री इंडिया. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नमीरा सलीम हु वॉज रिसेंटली इन न्यूज इज फ्रॉम विच कंट्री. सो नमीरा सलीम जो कि अभी न्यूज में थी, ये किस कंट्री से बिलोंग करती है. सो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज पाकिस्तान. पाकिस्तान से बिलोंग करती है नमीरा सलीम. रिसेंटली ये फर्स्ट पाकिस्तानी वुमेन बन चुकी है जो कि कमर्शियल स्पेस फ्लाइट Galactic 04 के थ्रू स्पेस में जाएगी. पाकिस्तान की फर्स्ट वुमेन फाइन स्पेस में जाने वाली है, दैट्स व्हाई ये न्यूज में थी. एंड नाम क्या है, नमीरा सलीम. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नोबेल प्राइज इन मेडिसिन 2023 वाज अवार्डेड टू किटालिन कारिको एंड ड्रू वसमैन फॉर देयर वर्क इन. सो 2023 का जो मेडिसिन का नोबेल अवार्ड था वो किसे दिया गया था, फर्स्ट ऑफ ऑल द पर्सन कैटलिन कारिको एंड ड्रू विस्मैन, इन्हें मेडिकल का नोबेल प्राइज मिला था. और फील्ड क्या था, फील्ड था mRNA वैक्सीन्स. फाइन, सो mRNA वैक्सीन्स के फील्ड में कैटलिन कारिको एंड ड्रू विस्मैन को मेडिकल का नोबेल प्राइज मिला था. फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट इज 2023 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स वॉज गिवन टू द थ्री साइंटिस्ट फॉर रिसर्च इन विच फील्ड. सो नोबेल प्राइज फिजिक्स का 2023 का थ्री साइंटिस्ट को दिया गया था, और किस फील्ड में इन्हें ये अवार्ड दिया गया, किस फील्ड में इन्होंने ये स्टडी की थी. सो फील्ड था इलेक्ट्रॉन्स इन फ्लैशेस ऑफ लाइट. फाइन, और ये जो अवार्ड है ये दिया गया है, जो रेसिपियंट है उनका नाम है, सो द नेम ऑफ द पर्सन फेरेंस क्रियोस, पियरी एगुस्टिनी एंड एनी एल क्विलियर. इन तीन साइंटिस्ट को ये अवार्ड दिया गया था नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, और फील्ड था इलेक्ट्रॉन्स इन फ्लैशेस ऑफ लाइट. फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. व्हिच नोबेल प्राइज इज अवार्डेड इन 2023 फॉर क्रिएशन ऑफ क्वांटम डॉट्स. सो क्वांटम डॉट्स के क्रिएशन के लिए 2023 का कौन सा नोबेल प्राइज दिया गया था, सो इट इज केमिस्ट्री. सो केमिस्ट्री का जो अवार्ड था नोबेल प्राइज वो किस फील्ड में दिया गया, क्रिएशन ऑफ क्वांटम डॉम, और किन्हें दिया गया था, द नेम ऑफ द पर्सन मोंगेजी बावेंजी, लुइस इब्रोस एंड एलेक्सी एक्यूमोव. सो इन तीन साइंटिस्ट को केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला था 2023 में, और जो फील्ड था क्रिएशन ऑफ क्वांटम डॉट्स. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन.
Next one is Nargis Mohammadi, who won 2023 Nobel Prize for Peace, is from which country? So, किस कंट्री से बिलोंग करती है नरगिस मोहम्मदी, जिन्हें नोबेल प्राइज फॉर पीस 2023 के लिए चूज किया गया था? एंड बेसिकली शी इज फ्रॉम ईरान, ईरान से ये बिलोंग करती है, ईरानियन एक्टिविस्ट है। सो ईरान में वुमेन्स के लिए ह्यूमन राइट एंड फ्रीडम को प्रमोट किया था इन्होंने, और इनकी जो फाइट थी टू प्रमोट ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम फॉर ऑल, स्पेशली फॉर वुमेन्स इन ईरान, उसके लिए इन्हें रिकॉग्नाइज किया गया नोबेल प्राइज फॉर पीस के लिए नॉमिनेशन। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज जॉन फॉसे, हु वॉन द 2023 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, इज फ्रॉम विच कंट्री? सो नोबेल प्राइज इन लिटरेचर ये मिला है जॉन फॉसे को, और ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? सो बेसिकली ही इज फ्रॉम नॉर्वे, नॉर्वे से बिलोंग करते हैं जॉन फॉसे, जिन्हें 2023 का नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर दिया गया है। फाइन, और लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज प्रोफेसर क्लाउडिया गोल्डिन वॉज कन्फर्ड द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स 2023 फॉर द रिसर्च। सो जो नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स था वो किसे दिया गया है? सो द आंसर इज प्रोफेसर क्लाउडिया गोल्डिन, और किस फील्ड में दिया गया? इन्होंने जो रिसर्च की थी वुमेन्स लेबर मार्केट आउटकम्स, इस फील्ड में इन इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया 2023 का। राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज शिव शंकरी, हु रिसीव द सरस्वती सम्मान 2022, इज अ फेमस ऑथर ऑफ विच लैंग्वेज? सो शिव शंकरी, जिन्हें 2022 का सरस्वती सम्मान मिला है, ये किस लैंग्वेज की फेमस ऑथर है? सो बेसिकली तमिल राइटर है। नेक्स्ट वन इज विच यूनियन मिनिस्ट्री कन्फर्स द नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड्स इन इंडिया? सो भारत में नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड ये कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री देता है, प्रदान करता है? सो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सो जो यूनियन मिनिस्ट्री है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लिए, जिनके जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो कौन है? पीयूष गोयल, उनके द्वारा दिया जाता है नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड। कहाँ पे? एट द नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कॉन्फ्रेंस 2023 में, जो कि कहाँ पर हुई थी? न्यू दिल्ली में हुई थी। फाइन, और इसी के साथ इंडिया की एक रैंकिंग इंप्रूव हुई है, किसमें? ग्लोबल इनोवेशन में, जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है वेस्ट का, उसमें जो इंडिया की रैंकिंग है वो 2014 में 81st थी, बट नाउ 2023 में जो रैंकिंग है वो 40 हो चुकी है। सो ये इम्प्रूवमेंट हुआ है ग्लोबल इनोवेशन में, ये इन्फॉर्म किया गया था यूनियन मिनिस्टर के द्वारा। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज लुइस ग्लक, हु पास्ड अवे रिसेंटली, वाज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड? सो लुइस ग्लक की न्यूज में थे, और किस प्रोफेशन से ये रिलेटेड है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है? सो बेसिकली लिटरेचर से है, एक अमेरिकन पोएट एंड नोबल लॉरिएट है, ये नोबल अवार्ड इन्हें मिल चुका है लिटरेचर का 2020 में, और रिसेंटली इनका निधन हो चुका है। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। विच एक्टर वॉन द सत्यजीत राय एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड ऑफ इंडिया? सो सत्यजीत राय एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड ये किस एक्टर ने जीता है? सो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज माइकल डगलस। फाइन, सो जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है कौन है? अनुराग ठाकुर। उन्होंने अनाउंस करा है हॉलीवुड के दिग्गज स्टार, वेटरन स्टार माइकल डगलस को, जिन्हें दिया जाएगा प्रेस्टीजियस सत्यजीत राय एक्सेलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड। फाइन, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जो कि कहाँ पे हुआ था? गोवा में हुआ था, और ये कैटेगरी दी गई किन्हें? माइकल डगलस को, जो कि हॉलीवुड के एक दिग्गज स्टार है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। विच इंडियन एक्टर वॉज कन्फर्ड द 53rd दादा साहेब फाल्के अवार्ड इन 2023? सो किन्हें मिला था 53rd दादा साहेब फाल्के अवार्ड? सो ऑलरेडी हमने कर लिया है, वहीदा रहमान को मिला था। नेक्स्ट वन इज रघुबर दास, द न्यू गवर्नर ऑफ उड़ीसा, इज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट और यूटी? फाइन, सो रघुबर दास, इट इज रघुबर दास। सो बेसिकली ये न्यू गवर्नर बन चुके हैं उड़ीसा के, बट इससे पहले ये चीफ मिनिस्टर थे, किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर ये रह चुके? फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, सो झारखंड के थे, और नाउ ही इज द न्यू गवर्नर ऑफ उड़ीसा। फाइन, और इनसे पहले जो उड़ीसा के गवर्नर थे वो कौन थे? गणेशी लाल, वो इनसे पहले उड़ीसा के गवर्नर थे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज सखाराव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट्स इज अवार्डेड बाय? सो ये जो अवार्ड है सखाराव प्राइज फॉर फ्रीडम, ये किसके द्वारा दिया जाता है? ऑर्गेनाइजेशन, कंट्री का नाम आपसे पूछा जा रहा है। सो इट इज बाय यूरोपियन यूनियन। सो यूरोपियन यूनियन का ह्यूमन राइट
प्राइज अवार्ड है ये, दैट इज सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट। और इस बार ये किसे दिया गया था? ईरान की जो वुमेन लाइफ एंड फ्रीडम मूवमेंट हुआ था उसके लिए ये अवार्ड दिया गया था। बेसिकली लास्ट ईयर जो घटना हुई थी महसा अमीनी, जो कि एक 22 ईयर ईरानियन वुमेन थी जिनकी पुलिस कस्टडी में डेथ हो गई थी, और इसके लिए सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट मिला था। इनका रोल था अमीनी का किसमें? वुमेन लाइफ एंड फ्रीडम मूवमेंट जो कि कहाँ पे चल रहा था? ईरान में। और इसके लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया, इनके ऑर्गेनाइजेशन को ये अवार्ड दिया गया। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। पाब्लो पिकासो इज सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट फ्रॉम विच कंट्री? सो बेसिकली स्पेन से ये बिलोंग करते हैं। न्यूज में इसलिए रहे थे क्योंकि अक्टूबर 25 142nd बर्थडे था इनका और सेलिब्रेट हुआ था, दैट्स व्हाई पाब्लो पिकासो ये न्यूज में रहे थे। नेक्स्ट इज विच मेट्रो रेल कंपनी वॉन द सिटी विथ बेस्ट ग्रीन ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव इन अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस? फाइन, सो 16th एडिशन रहा था यूएमआई का, यूएमआई एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस अर्बन मोबिलिटी इंडिया। और जो मेट्रो रेल कंपनी है जिन्हें मिला है सिटी विथ बेस्ट ग्रीन ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव एंड दैट इज कोची मेट्रो। फाइन, सो कोची मेट्रो को ये अवार्ड नवाजा गया। और इसी के साथ जो जबलपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड है उन्हें उनके इनोवेटिव फाइनेंसिंग मैकेनिज्म के लिए अवार्ड दिया गया, जबकि बेस्ट ग्रीन ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव कोची मेट्रो रेल को दिया गया। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज सलीमुल हक हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विद विच प्रोफेशन? सो सलीमुल हक जिनका रिसेंटली निधन हो गया है और किस प्रोफेशन से ये एसोसिएटेड है? सो बेसिकली क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट है ये। फाइन, जिनका 71 की एज में निधन हो गया है और ये डायरेक्टर थे कहाँ के? इंटरनेशनल सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज एंड डेवलपमेंट। और कहाँ पर बेस्ड है? ढाका में बेस्ड है। उसके डायरेक्टर रह चुके, डायरेक्टर रह चुके सलीमुल हक। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। व्हिच इंडियन एक्टर हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल आइकन फॉर वोटर अवेयरनेस फॉर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI ने अपना जो एम्बेसडर बनाया है, नेशनल आइकन बनाया है वोटर अवेयरनेस फॉर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, किसे ये बनाया गया है? सो जो एक्टर राजकुमार राव है उन्हें रिकॉग्नाइज किया गया है एज द नेशनल आइकन फॉर वोटर अवेयरनेस एंड एजुकेशन फॉर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज ऑन बोर्ड विच इंडियन पर्सनैलिटी एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? सो SBI ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और किस इंडियन पर्सनैलिटी को बनाया है? दैट इज महेंद्र सिंह धोनी। सो महेंद्र सिंह धोनी जो कि इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन रह चुके हैं, फॉर्मर, वी ऑल नो, इनको इन्हें बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर SBI के। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज विच इंडियन सिटी हैज बिन एडेड टू द यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क इन लिटरेचर कैटेगरी? फाइन, सो लिटरेचर कैटेगरी में इंडियन सिटी का नाम आपसे पूछा जा रहा है जिन्हें यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में एड किया गया है। सो जो सिटीज है वो कोझिकोड एंड ग्वालियर है। सो बेसिकली रिसेंटली 2 इंडियन सिटीज है जिनका नाम है ग्वालियर एंड कोझिकोड, ये पार्ट बन चुकी है यूनेस्को का जो क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क है उसका। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। और जो कैटेगरी है बेसिकली मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर है उसकी जो कैटेगरी है वो है म्यूजिक कैटेगरी, जबकि केरल का जो कोझिकोड है उसकी जो कैटेगरी है वो लिटरेचर कैटेगरी है। और लिटरेचर कैटेगरी और म्यूजिक कैटेगरी में रिस्पेक्टिवली जो सिटीज है कोझिकोड एंड ग्वालियर ने यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में अपना पार्ट बनाया है। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। विच इंडियन स्टेट बैग द ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड? सो जो ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड है वो केरल ने बैग करा है। फाइन, फॉर इट्स सस्टेनेबल एंड वीमन इंक्लूसिव इनिशिएटिव। नेक्स्ट वन इज द बिजनेस लाइन्स चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड वॉज अवार्डेड टू विच इंस्टीट्यूशन? सो ये जो अवार्ड है बिजनेस लाइन्स चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड, इसका 5th एडिशन था और किसे दिया गया? सो RBI को दिया गया बिजनेस लाइन्स चेंज मेकर कैटेगरी में। फाइन, और किसने दिया? पावर मिनिस्टर जो है हमारे RK सिंह, उन्होंने ये अवार्ड्स दिए थे। और अमूल को दिया गया था आइकॉनिक चेंज मेकर कैटेगरी में ऑफ द ईयर अवार्ड। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज
Next one is who has been sworn in as the Chief Information Commissioner of India. So recently appointment हुई है Chief Information Commissioner of India and the person is हीरा लाल समरिया. So recently हीरा लाल समरिया इन्हें अपॉइंट किया गया है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर. फाइन. और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ये अपॉइंटमेंट करते हैं. फाइन. कहाँ पे हुआ था? राष्ट्रपति भवन में हुआ था. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. हु इज द सिंगर ऑफ अबैंडन्स एंड मिलेट सॉन्ग विच हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर द ग्रैमी अवार्ड. सो रिसेंटली एक इंडियन सॉन्ग है दैट इज Abandons and Millet, और रिसेंटली नॉमिनेट हुआ है ग्रैमी अवार्ड के लिए. और कौन है इसके राइटर सिंगर? सो दैट इज फाल्गुनी शाह. फाल्गुनी शाह सिंगर है और बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में 2024 ग्रैमी अवार्ड के लिए इसे नॉमिनेट किया गया है. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. फेडरल बैंक कोलाबरेटेड विथ विच स्पोर्ट्स पर्सन फॉर ब्रांड प्रमोशन. सो फेडरल बैंक है रिसेंटली कोलाबरेशन किया है किसके साथ करा है? एक स्पोर्ट्स पर्सन के साथ ब्रांड प्रमोशन के लिए एंड दैट इज एच एस प्रणॉय. सो एच एस प्रणॉय के साथ कोलाबरेशन हुआ है फेडरल बैंक का फॉर ब्रांड प्रमोशन. नेक्स्ट इज एन शंकर या उपासव रिसेंटली वॉज एसोसिएटेड विथ विच प्रोफेशन. सो एन शंकर या जिनका हाल ही में निधन हो गया है किस प्रोफेशन से ये एसोसिएटेड है? सो पॉलिटिक्स से एसोसिएटेड एक प्रोमिनेंट फेमस फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं ये और मार्क्सिस्ट है. फाउंडिंग मेंबर है ये इसके मार्क्सिस्ट जो कि एक कम्युनिटी पार्टी ऑफ इंडिया है इसके फाउंडिंग मेंबर है एन शंकरिया. फाइन. नेक्स्ट वन इज वेयर वॉज द फर्स्ट इंडियन आर्ट आर्किटेक्चर एंड डिजाइन बाइनियल 2023 हेल्ड एट. सो फर्स्ट एडिशन रहा इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड डिजाइन बाइनियल का और ये कहाँ पे हुआ था? सो द आंसर इज न्यू दिल्ली. फाइन. लास्ट रेड फोर्ट पे हुआ था न्यू दिल्ली में हुआ था दिसंबर 2023 में. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनोग्रेट किया था इस कल्चरल इवेंट को जो कि दिल्ली में हुआ था दैट इज इंडियन आर्ट आर्किटेक्चर एंड डिजाइन बाइनियल. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन इज कोया ट्राइब इज एन इंडिजिनस ट्राइब ऑफ विच स्टेट. सो किस राज्य की ये मूल जनजाति है कोया ट्राइब? सो बेसिकली आंध्र प्रदेश की इंडिजिनस ट्राइब है कोया ट्राइब जो कि पापीगोंडा हिल रेंज में रिजाइड करती है. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट इज काशी तमिल संगमम दैट वॉज रिसेंटली इनोग्रेटेड इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री. सो रिसेंटली एक मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव दैट इज काशी तमिल संगमम. और कौन से मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का इनिशिएटिव है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम है सो दैट कि सेलिब्रेट किया जा सके सिविलाइजेशन कनेक्ट बिटवीन काशी एंड तमिलनाडु. सो काशी एंड तमिलनाडु में सिविलाइजेशनल बॉन्ड को एस्टेब्लिश करने के लिए सेलिब्रेट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने स्टार्टअप किया है काशी तमिल संगमम का. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. हु वाज नेम्ड द 2023 ITF वर्ल्ड चैंपियंस बाय द इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन. सो ITF के अकॉर्डिंग जो 2023 का ITF वर्ल्ड चैंपियन है वो कौन है? सो द आंसर इज नोवाक डोकोविच. सो नोवाक डोकोविच एंड आर्यना सबलंका इन्हें 2023 का ITF वर्ल्ड चैंपियन घोषित किया गया बाय द ITF. फाइन. सो ग्रैंड स्लैम का ये पेयर है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट इज हु इज करंटली इंडिया परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशन. सो यूनाइटेड नेशन में जो इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है वो कौन है? सो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज रुचिरा कम्बोज. सो रुचिरा कम्बोज जो कि UN में इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रही है अभी भी है. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन इज विच कंट्रीज आर्म फोर्सेज हैव रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद द कोवेटेड गोल्डन आउल अवार्ड फॉर देयर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस. सो अपने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए कंट्री के आर्म फोर्स को मिला है द कोवेटेड गोल्डन आउल एंड द आंसर इज टू द इंडिया. सो इंडियन आर्म फोर्स को रिसेंटली द कोवेटेड गोल्डन आउल अवार्ड मिला है उनके आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए. और किसने दिया है ये? श्रीलंकन प्रेसिडेंट. कौन है श्रीलंकन प्रेसिडेंट? सो रानिल विक्रम सिंघे ने ये अवार्ड इंडियन आर्म फोर्स को दिया है. फाइन. सो इट इज बाय श्रीलंका. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. इंटरनेशनल जेंडर इक्वेलिटी प्राइज इज गिवन बाय विच कंट्री. सो कौन सी कंट्री ये अवार्ड प्रोवाइड करती है द इंटरनेशनल जेंडर इक्वेलिटी प्राइज? सो इट इज बाय फिनलैंड. फाइन. फिनलैंड के द्वारा दिया जाता है एंड रिसेंटली किसे मिला है? अफगान वुमेन स्किल डेवलपमेंट सेंटर को ये अवार्ड मिला है रिसेंटली 2023
Three का फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट इज विच फिल्म वॉन द गोल्डन रॉयल बंगाल टाइगर अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म एट द 29 कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल. सो एक फिल्म का नाम आपसे पूछा जा रहा है जिसने 29th एडिशन रहा था कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का, और उसमें गोल्डन रॉयल बंगाल टाइगर अवार्ड कैटेगरी को जीता है. बंगाल टाइगर अवार्ड कैटेगरी. सो इट इज बाय चिल्ड्रन ऑफ नोबडी. फाइन. सो चिल्ड्रन ऑफ नोबडी ये बेस्ट फिल्म रही कहां पर? एट द 29th कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन इज हु टॉप द हुरन इंडिया टॉप 100 अंडर 30 लिस्ट 2023 एज द यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर. सो जो यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर है एज पर हुरन इंडिया टॉप 100 अंडर 30 लिस्ट, उसमें किसने टॉप करा है? दैट इज केवल्य वोहरा. केवल्य वोहरा ने टॉप करा है एट द एज ऑफ 21 ईयर. सो 21 ईयर ओल्ड है केवल्य वोहरा. फाइन. एंड जेप्टो को इन्होंने फाउंड करा है. दैट इज अ क्विक कॉमर्स ऐप जिसकी जो वैल्यू है प्रेजेंट में वो $1.4 बिलियन प्रेजेंट वैल्यू है जेप्टो की, और इसके लिए इन्हें अवार्ड मिला यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. हु इज द रिसिपियंट ऑफ द साहित्य अकेडमी इंग्लिश अवार्ड फॉर 2023. सो साहित्य अकेडमी इंग्लिश अवार्ड 2023 और इसके जो रेसिपियंट है उनका नाम आपसे पूछा जा रहा है. दैट इज नीलम सरन गौर. सो नीलम सरन गौर इन्हें ऑनर किया गया है विद साहित्य अकेडमी इंग्लिश अवार्ड फॉर 2023. और इनका जो नॉवल है दैट इज रेक्विम इन रागा जानकी, इस नॉवल के लिए इन्हें साहित्य अकेडमी इंग्लिश अवार्ड दिया गया है 2023 का. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट इज विच ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन रिसेंटली ऑनर्ड विद द 11th एडिशन ऑफ फिक्की वाटर अवार्ड 2023. सो 11th एडिशन था फिक्की वाटर अवार्ड 2023 का, और ये किसे मिला है रिसेंटली? सो इट इज टू एनटीपीसी कांति. सो एनटीपीसी कांति ऑर्गेनाइजेशन को रिसेंटली 11th एडिशन ऑफ द फिक्की वाटर अवार्ड दिया गया. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन इज द क्वीन ऑफ मिलेट्स रायमती गुइरिया हु वाज मेकिंग न्यूज रिसेंटली इज फ्रॉम विच स्टेट. सो किस स्टेट से बिलोंग करती है क्वीन ऑफ मिलेट? इन्हें उपनाम मिला है और ये बिलोंग करती है उड़ीसा स्टेट से. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. हु हैज बीन अवार्डेड द 6th रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज. सो 6th एडिशन था रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज का, और किसे मिला है ये? सो इस बार मिला है सुकृता पोल को मिला है, और उनकी जो बुक है सॉल्ट एंड पेपर उसके लिए उन्हें ये अवार्ड मिला है. एंड द बुक नेम इज सॉल्ट एंड पेपर Selected poems. Fine. Let's move to the next one. Next one is who has become the first Indian to be inducted as a governing board member of the International Table Tennis Federation. So first Indian women का नाम आपसे पूछा जा रहा है जो कि बन चुकी है board member of the International Table Tennis Federation, and the answer is Vita Dani. Vita Dani first Indian बन चुकी है जो part है International Table Tennis Federation. नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज कॉल्ड हार्डी रामानुजन नंबर और मोस्ट फेमस टैक्सी कैब नंबर. जो हार्डी रामानुजन नंबर है दैट इज 1729. फाइन. एंड दैट इज इक्वल टू 10³ + 9³. सो 10³ और 9³ के सम के इक्वल है ये, एंड दैट इज 1729, जिसे हार्डी रामानुजन नंबर भी कहा जाता है और मोस्ट फेमस टैक्सी कैब नंबर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन इज रिसेंटली विच इंडियन एयरपोर्ट रिसीव्ड रिकॉग्निशन एट यूनेस्को's 2023 ब्रिक्स वर्सेल्स. सो हाल ही में इंडियन एयरपोर्ट का नाम आपसे पूछा जा रहा है जिसने यूनेस्को के 2023 ब्रिक्स वर्सेल्स में मान्यता प्राप्त की है, एंड दैट इज कैंपोगोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट. और ये कहाँ पर लोकेटेड है? बेंगलुरु में लोकेटेड है, जिसे यूनेस्को का 2023 ब्रिक्स वर्सेस मिला है. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन इज सशस्त्र रामानुजन अवार्ड. ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिया, दैट इज रुशिंग झांग, इन्हें मिला था ये अवार्ड. नेक्स्ट इज विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसीव्ड द 2023 नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड. सो 2023 का जो नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड है ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसीव करा है? सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड. सो इन्हें मिला है 2023 का नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड. प्रेजिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने दिया था, एंड कौन ऑर्गेनाइज कराता है इस अवार्ड सेरेमनी को? सो इट इज बाय द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशियंसी. फाइन.
नेक्स्ट वन इज रिसेंटली विच इंस्टीट्यूशन हैज बीन सिलेक्टेड फॉर सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 इन द इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी. सो इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में किस इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट किया गया है एंड अवार्ड इज सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार. और ये अवार्ड मिला है ऑप्शन नंबर ए 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल जो कि कहाँ पर लोकेटेड है, उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है. फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी पद्म अवार्ड वर अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट फॉर कन्फर्मेंट ऑन द ईव ऑफ 75th रिपब्लिक डे. तो 75th रिपब्लिक डे था एंड कितने पद्म अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे. सो टोटल 132 अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे एंड जो कैटेगरीज थी 5 पद्म विभूषण दिए गए थे, 17 पद्म भूषण दिए गए थे एंड 110 पद्मश्री अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे. फाइन, 75th रिपब्लिक डे के ओकेजन पे. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. नेक्स्ट वन इज विच टू बीएसएफ पर्सनल वर अवार्डेड द प्रेसिडेंट्स मेडल फॉर गैलेंट्री पॉस्टमसली ऑन द ईव ऑफ द 75th रिपब्लिक डे. सो मरणोपरांत जो टू बीएसएफ पर्सनल को अवार्ड दिया गया था प्रेसिडेंट मेडल फॉर गैलेंट्री 75th रिपब्लिक डे के ओकेजन पे एंड दैट इज सावलाराम बिश्नोई एंड शिशुपाल सिंह. इन्हें ये अवार्ड दिए गए थे मरणोपरांत जो कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पर्सनल स्टाफ मेंबर थे. फाइन, सावलाराम बिश्नोई एंड शिशुपाल सिंह. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट इज हाउ मेनी इंडिविजुअल वर ऑनर विद द जीवन रक्षा पदक सीरीज ऑफ अवार्ड 2023. सो जीवन रक्षा पदक अवार्ड ये कितने व्यक्तियों को दिया गया था. सो टोटल इज 31. 31 पीपल्स को प्रोवाइड किया गया था जीवन रक्षक पदक सीरीज. फाइन, 2023 की ये जो अवार्ड्स थे और इनमें से 3 पॉस्टमस अवार्डीज थे, इनको मरणोपरांत दिया गया था. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव करे थे ये अवार्ड. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. रिसेंटली हु हैज बीन कन्फर्ड द प्रेस्टिजियस फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड. सो फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड ये किसे मिला है. सो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी अजित मिश्रा. ऑप्शन नंबर डी अजित मिश्रा. सो अजित मिश्रा को प्रेस्टिजियस फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड दिया गया. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन टू होल्ड द रैंक ऑफ सूबेदार इन द इंडियन आर्मी. सो इंडियन आर्मी में सूबेदार की रैंक को होल्ड करने वाली जो फर्स्ट वुमेन है वो कौन बन चुकी है. सो आंसर इज प्रीति रजक. प्रीति रजक ये बन चुकी है फर्स्ट इंडियन वुमेन जो कि रैंक ऑफ सूबेदार पर है इन द इंडियन आर्मी. फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट इज कोट्टयमेर कम्युनल हार्मोनी अवार्ड विच वॉज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट. सो ये जो अवार्ड है कोटई अमीर कम्युनल हार्मोनी अवार्ड ये किस स्टेट से एसोसिएटेड है. सो आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु. तमिलनाडु से है और रिसेंटली मोहम्मद जुबेर जो कि को फाउंडर है ऑल्ट न्यूज के, उन्हें ये अवार्ड दिया गया है. फाइन, एएलटी न्यूज के ये को फाउंडर है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट इज रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ पुडुचेरी. सो न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ पुडुचेरी ये किसे अपॉइंट किया गया है. सो आंसर इज शरद चौहान. शरद चौहान, डॉक्टर शरद चौहान की अपॉइंटमेंट हुई है एज द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ पुडुचेरी. फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट इज रिसेंटली हु हैज टेकन चार्ज एज द चीफ हाइड्रोग्राफर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो चीफ हाइड्रोग्राफर है ये किन्हें अपॉइंट किया गया है. सो आंसर इज लोचन सिंह पठानिया. सो लोचन सिंह पठानिया को अपॉइंट किया गया है एज द चीफ हाइड्रोग्राफर ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट. फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट. सो फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस बन चुकी है, आंसर इज रितु बहारी. सो रितु बहारी ये बन चुकी है फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट. फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट इज हु हैज बीन ऑनर विद द प्रेस्टिजियस विशिष्ट सेवा मेडल फॉर डेवलपिंग मल्टीपर्पज ऑप्टोकॉप्टर. सो मल्टीपर्पज ऑप्टोकॉप्टर को डेवलप करने के लिए जो प्रेस्टिजियस विशिष्ट सेवा मेडल है ये किसे मिला है. सो आंसर इज वरिंद्र सिंह. वरिंद्र सिंह को मिला है जो कि सिख रेजिमेंट के मेंबर है इंडियन आर्मी में और इन्हें
उन्होंने रिसीव करा है विशिष्ट सेवा मेडल फ्रॉम प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू. फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. रिसेंटली विच बैंक हैज क्लेम्ड द टाइटल ऑफ बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड. सो बैंक का नाम आपसे पूछा जा रहा है जिसने क्लेंच करा है द बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड, एंड दैट इज साउथ इंडियन बैंक. आंसर इज साउथ इंडियन बैंक. सो 19th एडिशन था IBA एनुअल बैंकिंग टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस का, और इस दौरान बेस्ट जो बैंक था टेक्नोलॉजी बैंक वो कौन है? साउथ इंडियन बैंक. फाइन, नेक्स्ट इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IRCTC. सो IRCTC दैट इज इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, और जो चेयरमैन एंड MD बने हैं वो कौन है? आंसर इज संजय कुमार जैन. फाइन, सो संजय कुमार जैन ये होंगे न्यू चेयरमैन एंड MD ऑफ IRCTC. फाइन, एक IRTS ऑफिसर है ये 1990 बैच के, एंड चार्टेड अकाउंटेंट है प्रोफेशन से. नेक्स्ट वन इज वेयर वॉज दिस स्टैच्यू ऑफ खासी फ्रीडम फाइटर यू तिरोथ सिंह रिसेंटली अनवेल. सो हाल ही में जो खासी स्वतंत्रता सेनानी थे यू तिरोथ सिंह, इनकी जो स्टैच्यू है उनका अनावरण कहाँ किया गया? सो आंसर इज ढाका. सो ढाका में रिसेंटली स्टैच्यू ऑफ यू तिरोंग सिंह इन्हें अनवेल किया गया. खासी हिल्स के फ्रीडम फाइटर है ये. फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट इज प्रभुवो सुबियांटो रिसेंटली सीन इन द न्यूज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री. सो ये बन चुकी है न्यू प्रेसिडेंट, 72 ईयर ओल्ड है ये, और किस कंट्री की ये बन चुकी है? सो आंसर इज इंडोनेशिया. इंडोनेशिया के ये बन चुके हैं. फाइन, नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेटर्स हैव बीन नेम्ड द रिसिपियंट ऑफ द 58th ज्ञानपीठ अवार्ड. सो 58th ज्ञानपीठ अवार्ड है, और जो फेमस साहित्यकार है जिन्हें ये पुरस्कार मिला कौन है? सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी गुलजार एंड जगत गुरु राम भद्राचार्य. इन्हें मिला है 58 ज्ञानपीठ पुरस्कार. जो 58 ज्ञानपीठ सिलेक्शन कमेटी है उन्होंने ये अवार्ड दिया. फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. रिसेंटली हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. सो ICJ के जो न्यू प्रेसिडेंट है वो कौन बन चुके? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए नवाब सलाम. ये बन चुके हैं ICJ के न्यू प्रेसिडेंट. फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन इज हु हैज बीन बेस्टोव विद द प्रेस्टिजियस शेवलियर डे ला लेगियन डी ऑनर, फ्रांसिस हाईएस्ट सिविलियन ऑनर. सो फ्रांस का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है दैट इज शेवलियर डे ला लेगियन डी ऑनर, ये किसे दिया गया है? एंड आंसर इज शशि थरूर. ये अवार्ड मिला है शशि थरूर को मिला है. नेक्स्ट इज अमीन सयानी हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विद विच प्रोफेशन. सो ये रेडियो प्रेजेंटर थी. फाइन, और रिसेंटली 91 की एज में इनका निधन हो गया. नेक्स्ट वन इज रिसेंटली विच इंडियन फूड ब्रांड बिकम द फर्स्ट टू विन एन इंटरनेशनल टेस्ट अवार्ड. सो इंटरनेशनल टेस्ट अवार्ड मिला है, फर्स्ट ऑफ इट्स टाइप का है, और जो इंडियन फूड ब्रांड है दैट इज प्रसुम्मा. सो प्रसुम्मा इंडियन फूड ब्रांड है जो कि बन चुका है फर्स्ट टू विन एन इंटरनेशनल टेस्ट अवार्ड. फाइन, नेक्स्ट वन इज रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज विजिलेंस कमिश्नर इन द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन. सो CVC में जो विजिलेंस कमिश्नर बने हैं वो कौन है? आंसर इज AS राजीव. फाइन, एंड नेक्स्ट इज मनोहर जोशी हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट. सो महाराष्ट्र के थे ये. पंकज उदास हु पास्ड अवे रिसेंटली, ये किस फील्ड से एसोसिएटेड है? सिंगिंग से एसोसिएटेड है. एंड फेलेटी टीओ रिसेंटली सीन इन द न्यूज, ये न्यू प्राइम मिनिस्टर बनी है किस कंट्री के? सो आंसर इज टूवेलु. सो टूवेलु के ये न्यू प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं. फाइन, नेक्स्ट वन इज हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट पंजाब इन पाकिस्तान. सो पाकिस्तान में वेस्ट पंजाब की जो न्यू चीफ मिनिस्टर बनी है फर्स्ट वुमेन है, एंड दैट इज मरियम नवाज. मरियम नवाज बन चुकी है फर्स्ट वुमेन CM ऑफ वेस्ट पंजाब इन पाकिस्तान. नेक्स्ट इज शफीकुर रहमान बर्फ रिसेंटली पास्ड अवे, और ये किस फील्ड से एसोसिएटेड थे? सो पॉलिटिक्स से एसोसिएटेड है. नेक्स्ट वन इज पेयजल सर्वेक्षण अवार्ड रिसेंटली सीन इन द न्यूज, इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? सो इट इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर. फाइन, सो टोटल 130 अवार्ड इस कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे, पेयजल गोल्ड, पेयजल सिल्वर एंड ब्रॉन्ज सिटी अवार्ड. फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल. सो लोकपाल चेयरपर्सन ये कौन बने हैं रिसेंटली?
आंसर इज अजय मानिक राव खान विलकर. ये अपॉइंट हुए हैं रिसेंटली एज द चेयर पर्सन ऑफ द लोकपाल. नेक्स्ट इज रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल फॉर इंडिया. सो न्यू सीईओ बने हैं सचिन जैन वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल फॉर इंडिया के लिए. नेक्स्ट इज रिसेंटली हु हैज बीन गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ तेलंगाना गवर्नर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी. सो जो एडिशनल चार्ज मिला है वो सीपी राधा कृष्णन को मिला है. फाइन. एंड नेक्स्ट वन इज लियो वराडकर हु रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रेजिग्नेशन वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री. सो आयरलैंड के ये प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने अपना रेजिग्नेशन अनाउंस किया रिसेंटली. हु वाज अवार्डेड द प्रेस्टिजियस देवी शंकर अवस्थी अवार्ड. और ये जो अवार्ड है ये मिला है निशांत. इन्हें मिला एक यंग पोएट एंड क्रिटिक है जिन्हें 29th देवी शंकर अवस्थी अवार्ड मिला है. फाइन. नेक्स्ट वन इज रिसेंटली हु वाज यूनानिमसली सिलेक्टेड एज को चेयर ऑफ द डिजिटल इनोवेशन बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन. सो यूनानिमसली इलेक्ट हुए है को चेयर ऑफ द डिजिटल इनोवेशन बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के. और कौन अपॉइंट हुए है दैट इज नीरज मित्तल. फाइन. नेक्स्ट वन इज रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट ब्लैक लीडर ऑफ ए गवर्नमेंट इन द यूके. सो यूके में ब्लैक लीडर बने फर्स्ट ब्लैक लीडर ऑफ ए गवर्नमेंट एंड दैट इज ऑप्शन नंबर डी वान गैथिंग. ये बन चुके हैं फर्स्ट ब्लैक लीडर ऑफ ए गवर्नमेंट इन द यूके. फाइन. नेक्स्ट इज रिसेंटली हु हैज बीन इलेक्टेड एज अ चेयरमैन ऑफ द इंडियन बैंक एसोसिएशन एंड दैट इज एमवी राव. एंड हु वॉन द फर्स्ट ग्लोबली इनइक्वालिटी रिसर्च अवार्ड 2024. ये अवार्ड मिला है ऑप्शन नंबर सी बीना अग्रवाल एंड जेम्स बॉयस को मिला है. नेक्स्ट इज रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू म्यांमार. सो म्यांमार में जो न्यू एम्बेसडर है वो कौन बने हैं इंडिया के एंड दैट इज अभय ठाकुर बने हैं. एंड नेक्स्ट इज हु वॉन द एबल प्राइज 2024 समटाइम्स कॉल्ड द नोबल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स. सो नोबल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स कहा जाता है एबल प्राइज 2024 और किसने जीता है. सो इट इज बाय मिशेल टेलीग्रैंड. इन्होंने ये अवार्ड जीता है. फाइन. नेक्स्ट इज लुइस मॉन्टेनेग्रो रिसेंटली सीन इन द न्यूज बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री. सो ये पोर्टुगल के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं. एंड जो डीजी बने हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के वो कौन बने हैं रिसेंटली एंड इट इज सदानंद वसंत दत्त. ये बने हैं. फाइन. नेक्स्ट इज बासिरो दियोमॉय फाय रिसेंटली सीन इन द न्यूज बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री. सो न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं ये और किस कंट्री के ये न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं दैट इज सो सेनेगल के ये न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं. नेक्स्ट वन इज यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल हैज अपॉइंटेड विच इंडियन एज हिज स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन. सो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट हुए हैं जो कि इंडियन है और यूएनएसजी ने अपॉइंट करा है एंड दैट इज कमल किशोर. सो कमल किशोर को अपॉइंट किया गया है बाय यूनाइटेड नेशन एंड एज अ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन. नेक्स्ट वन इज रिसेंटली हु वाज ऑनर विद इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड 2024. सो इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड 2024 ये मिला है किसे मीना चरंदा इन्हें मिला है. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडिया नेक्स्ट एम्बेसडर टू नाइजर. सो नाइजर में जो इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर है वो कौन अपॉइंट होंगे दैट इज सीताराम मीना. एंड नेक्स्ट इज जुडिथ सुमिनावा तुलुका रिसेंटली सीन इन द न्यूज की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी है. कहाँ की बनी है आंसर इज कॉन्गो. सो कॉन्गो रिपब्लिक की ये फर्स्ट वेमेन प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुई है. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट इज आर ई सी लिमिटेड रिसेंटली वॉन द स्कॉच ई एस जी अवार्ड 2024 कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री. सो आर ई सी लिमिटेड जिन्होंने रिसेंटली ये अवार्ड जीता है दैट इज स्कॉच ई एस जी अवार्ड 2024 रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंसिंग कैटेगरी में है ये अवार्ड. एंड आर ई सी लिमिटेड ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आता है. फाइन. एंड नेक्स्ट इज दिनना सिमे तिवारी हु रिसेंटली पास्ड अवे. ये किस फील्ड से एसोसिएटेड है लॉन्ग जंप से एसोसिएटेड है. एंड रिसेंटली हु हैज टेकन ओवर एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडस्ट्री बॉडी असोचैम फॉर 2024-2025. सो असोचैम 2024-2025 के लिए जो प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं वो कौन है दैट इज संजय नायर. संजय नायर अपॉइंट हुए हैं. नेक्स्ट वन इज हु हैव बीन नेम्ड एज लॉरियट्स ऑफ द 2024 यूनेस्को
गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज। सो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज ये अवार्ड किन्हें मिला है? आंसर इज पैलेस्टीनियन जर्नलिस्ट को ये अवार्ड मिला है। फाइन, जो गाजा को कवर कर रहे हैं उन्होंने ये अवार्ड जीता है। नेक्स्ट इज रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द ग्रैपलिंग कमेटी ऑफ इंडिया फॉर जम्मू एंड कश्मीर रीजन। सो जम्मू एंड कश्मीर रीजन के लिए जो ग्रैपलिंग कमेटी अपॉइंट की गई थी उनके चेयरपर्सन कौन है? दैट इज सानिया कदरी। इन्हें अपॉइंट किया गया है एज द चेयरपर्सन ऑफ द ग्रैपलिंग कमेटी ऑफ इंडिया फॉर जम्मू एंड कश्मीर। आंसर इज सानिया कदरी। नेक्स्ट वन इज पुलित्जर प्राइज रिसेंटली इन न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड। सो पुलित्जर प्राइज ये न्यूज में थी, ये किस फील्ड से एसोसिएटेड है? सो जर्नलिज्म से एसोसिएटेड है और कोलंबिया यूनिवर्सिटी अनाउंस करती है ये अवार्ड्स। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। एंड सुरजीत पातर हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज पोएट ऑफ विच लैंग्वेज। सो पंजाबी पोइट है ये सुरजीत पाटर, जिनका रिसेंटली निधन हो गया है। फाइन, ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सुशील मोदी हु रिसेंटली पास्ड अवे, ये डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे किस स्टेट के? बिहार के थे। एंड रिसेंटली हु हैज बीन ऑनर विद द ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन एजुकेशन। सो एजुकेशन में आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए रिसेंटली किन्हें ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 ये दिया गया है? एंड दैट इज चंद्रकांत सतीजा। इन्हें ये अवार्ड मिला है। ये चंद्र एडमिशन कंसल्टेंट्स के फाउंडर है, सीईओ है चंद्रकांत सतीजा, और इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज कमला बेनीवाल हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज द फर्स्ट वुमेन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। सो राजस्थान की फर्स्ट वुमेन मिनिस्टर थी ये कमला बेनीवाल, जिनका रिसेंटली निधन हो गया है। फाइन, नेक्स्ट वन इज रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन ऑनर विद द प्रेस्टिजियस जियो स्पेशल वर्ल्ड फोरम GWF लीडरशिप अवार्ड फॉर पब्लिक पॉलिसी एनेबलिंग इंडस्ट्री डेवलपमेंट। सो GWF लीडरशिप अवार्ड ये किसे दिया गया है? ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इन स्पेस। सो इन स्पेस को ये अवार्ड मिला है। इंडिया का जो नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर है उन्हें GWF लीडरशिप अवार्ड दिया गया। फाइन, एंड मालती जोशी हु रिसेंटली पास्ड अवे किस फील्ड से ये एसोसिएटेड थी? सो स्टोरी टेलर है ये, रिनोन हिंदी एंड मराठी स्टोरी टेलर है, पद्मश्री अवार्डी है। नेक्स्ट इज रिसेंटली हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। सो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए थे वो कौन है? आंसर इज कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल को अपॉइंट किया गया था SCBA प्रेसिडेंसी के लिए, सीनियर एडवोकेट है ये। फाइन, एंड रिसेंटली विच प्रिजन रिसीव द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन अवार्ड कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द आंध्र प्रदेश स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड। सो हाल ही में किस जेल को आंध्र प्रदेश का ये APSBB के द्वारा जो अवार्ड फॉर्म किया गया था, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन अवार्ड दिया गया, एंड दैट जेल इज राजमुंद्री सेंट्रल प्रिजन, इसे मिला है। फाइन, नेक्स्ट वन इज रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री फॉर द टर्म 24-25, एंड दैट इज संजीव पुरी को अपॉइंट किया गया है। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन ओरिजिन प्रोफेसर हु हैज बीन अवार्डेड 2024 शॉ प्राइज इन एस्ट्रोनॉमी? सो एस्ट्रोनॉमी में शॉ प्राइज मिला है इंडियन ओरिजिन प्रोफेसर को, एंड दैट इंडियन ओरिजिन प्रोफेसर इज श्रीनिवास आर कुलकर्णी। इन्हें ये अवार्ड मिला है। एंड हु हैज बिकम द ओल्डेस्ट वेमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट? सो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले जो सबसे ओल्डेस्ट वेमेन है वो कौन बन चुकी है? ज्योति रात्रे बन चुकी है। फाइन, एंड विच पब्लिक सेक्टर कंपनी वॉज अवार्डेड विद द थर्ड रैंक इन द टैलेंट डेवलपमेंट कैटेगरी एट दी ATD बेस्ट अवार्ड 2024? सो ATD बेस्ट अवार्ड 2024 में जो टैलेंट डेवलपमेंट कैटेगरी है उसमें जो थर्ड रैंक में पब्लिक सेक्टर कंपनी दैट इज NTPC। सो NTPC ने सिक्योर करी है थर्ड रैंक ग्लोबली फॉर टैलेंट डेवलपमेंट एट ATD बेस्ट अवार्ड। फाइन, 2024 का एडिशन रहा ये। एंड नेक्स्ट इज आरती हु रिसेंटली रिसीव दी अनल क्लोनी वेमेन्स एम्पावरमेंट अवार्ड, बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। सो
आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बहराइच। सो उत्तर प्रदेश के बहराइच डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है आरती, जिन्होंने रिसेंटली अमल क्लोनी वेमेन्स एम्पावरमेंट अवार्ड को रिसीव किया है। फाइन, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी एट 77 वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। सो WHA में जो अपॉइंट हुए एज द चेयरपर्सन वो कौन है? अपूर्व चंद्र, इन्हें अपॉइंट किया गया, अपूर्व चंद्र। नेक्स्ट इज, रिसेंटली विच इंडियन पीस कीपर रिसीव द यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर फॉर 2023। सो जो इंडियन पीस कीपर है जिन्हें मिला है ये अवार्ड यूएन का, मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर फॉर 2023, एंड दैट इज राधिका सेन। राधिका सेन, मेजर राधिका सेन को ये मिला है, मेजर राधिका सेन को यूनाइटेड नेशन का मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर फॉर 2023 अवार्ड दिया गया। फाइन, नेक्स्ट इज, रिसेंटली विच मेडिकल इंस्टीट्यूशन हैज वॉन द 2024 नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन बाय WHO, और ये अवार्ड NIMHNS बेंगलुरु को दिया गया था, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, जो कि कहाँ पर है? बेंगलुरु में है, और इन्होंने रिसीव करा है नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन फ्रॉम WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये अवार्ड इन्हें दिया गया। फाइन, नेक्स्ट इज, रिसेंटली विच इंडियन पीस कीपर ऑनर पोस्टमसली विथ UN's डेग हैमरशॉल्ट मेडल। सो यूएन का डेग हैमरशॉल्ट मेडल है इंडियन पीस कीपर को मिला है, और पोस्टोमेसली मिला है, मरणोपरांत मिला है, किन्हें मिला है? दैट इज नायक धनंजय कुमार सिंह, इन्हें ये अवार्ड दिया गया था यूएन पीस कीपर के तौर पे। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज, भूपेंद्र सिंह रावत हु रिसेंटली पास्ड अवे, ये किस स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है? फुटबॉल से एसोसिएटेड है, एंड उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी ये अभी अपॉइंट हुए हैं। कौन अपॉइंट हुए? मनोज कुमार सिंह। एंड रिसेंटली विच स्टेट हैज बीन ऑनर विद द बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड फॉर 2024 बाय द 15th एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड कमिटी, और ये अवार्ड दिया गया महाराष्ट्र को, दिया गया बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड। फाइन, और 15th एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड कमिटी के द्वारा ये अवार्ड प्रदान किए गए थे, महाराष्ट्र द बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट फॉर 2024। नेक्स्ट वन इज, विच स्टेट वॉन द बेस्ट स्टेट इन हॉर्टिकल्चर अवार्ड 2024 इन एग्रीकल्चर लीडरशिप? सो हॉर्टिकल्चर में ये अवार्ड मिला था, नागालैंड को मिला था। नेक्स्ट वन इज, रिसेंटली हु हैज बीन कन्फर्ड विद द शेवलियर डे ला लेगियन डी ऑनर, द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ फ्रांस, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। ये जो अवार्ड है ये किसे मिला है? सो दैट इज रोशनी नडार मल्होत्रा को मिला है, जो कि HCL टेक की चेयरपर्सन है। फाइन, नेक्स्ट इज, विच स्टेट्स नेचुरल फार्मिंग मॉडल वॉन द 2024 गुलबेंकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी, एंड इट इज बाय आंध्र प्रदेश। एंड नेक्स्ट वन इज, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली अवार्डेड कैप्टन अभिलाष रावत एंड हिज क्रू ऑफ ऑयल टैंकर मार्लिन लुआंडा फॉर एक्सेप्शनल ब्रेवरी इन रेड सी मिशन। सो रेड सी मिशन में एक्सेप्शनल ब्रेवरी के लिए जो कैप्टन अभिलाष रावत है और उनकी जो क्रू है, उन्हें ये अवार्ड मिला है, और उनका जो टैंकर है मार्लिन लुआंडा है, ऑर्गेनाइजेशन ने ये अवार्ड दिया है, दैट इज इंटरनेशनल मेरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने ये अवार्ड दिया है। फाइन, नेक्स्ट इज, विच टू इंडियन स्पेस साइंटिस्ट रिसीव द ऑनर एट द ग्लोबल स्पेस कॉन्फ्रेंस फ्रॉम द प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन कमिटी ऑन स्पेस रिसर्च। सो ये अवार्ड दिया गया है प्रहलाद चंद्र अग्रवाल एंड अनिल भारद्वाज। फाइन, एंड रिसेंटली जो नेक्स्ट एम्बेसडर बने हैं इंडिया के टू द US वो कौन है? विनय मोहन कावत्रा, ये अपॉइंट हुए हैं। एंड विच इंस्टीट्यूट हैज रिसीव द बेस्ट टेक्नोलॉजी अवार्ड फॉर इट्स पाइनियरिंग वर्क इन द फील्ड ऑफ हॉर्टिकल्चरल साइंसेज। सो ये जो अवार्ड है ये मिला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च को। फाइन, एंड पद्मश्री अवार्डी कमला पुजारी हु पास्ड अवे रिसेंटली, ये किस प्रोफेशन से है? एग्रीकल्चरिस्ट है ये। एंड नेक्स्ट इज, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द 67th प्रेसिडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया फॉर द ईयर 2024-25। सो ICMAI के जो 67th प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं वो कौन है? आंसर इज विभूति भूषण नायक। विभूति भूषण नायक को यूनानिमसली इलेक्ट किया गया है 67th प्रेसिडेंट। फाइन, नेक्स्ट वन इज, हमजा हस रिसेंटली ये फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट थे और इनका निधन हो गया है। किस कंट्री के फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट थे? इंडोनेशिया के थे। एंड विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली कन्फेयर नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड्स टू रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन द मेटलर्जिकल फील्ड? सो ये अवार्ड दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील को। एंड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये किन्हें मिला था? जितेंद्र सिंह को मिला था, यूनियन मिनिस्टर है, इन्हें मिला था लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड।
एंड न्यू चेयरपर्सन यूपीएससी के वो कौन है, प्रीति सूदन अपॉइंट हुई थी, एंड अंशुमान गायकवाड़ जो कि रिसेंटली निधन हो गया था, ये कि स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है, क्रिकेट से एसोसिएटेड है, फर्स्ट फेमिन का नाम आपसे पूछा जा रहा है, जो कि बनी है डीजी ऑफ मेडिकल सर्विसेज दैट इज लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर, ये बनी है।